जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक। के हम लोग मरने के बाद शायद ऐसे किसी एक एक मिनट को तरसेंगे कि काश रोजाना दो मिनट निकाल लेते, हम तरसेंगे। वापस रिवायत मौजूद है कि लोग तन्हाई में की जाने वाली इबादतों पे तरसेंगे, काश हम भी कर लेते। किसी का सुनेंगे कि वो ज़्यादा करता था तो तड़पेंगे, और क़यामत के दिन इस बात पे अफसोस करेगा कि मैं करता क्यों नहीं था, बस वक्त भी था, मैं सेहतमंद था, मैं उठ सकता था। और अजीब बात यह है कि लघवियात के लिए वक्त था मेरे पास और इसके लिए नहीं था। मैं अपने तौर पर सोचूंगा, मसलन मैं कहूँ मेरे पास किताब पढ़ने के लिए वक्त था, इसके लिए वक्त क्यों नहीं था? अगर मेरे पास कमाने के लिए वक्त था तो खुदा के हुजूर एतराफ़ करने के लिए वक्त क्यों नहीं था? हर चीज़ के लिए वक्त था, इसके लिए वक्त नहीं था? क्या वाकई वक्त नहीं था, या मैंने सोचा नहीं था, या मेरे गुनाहों ने मुझे बदबख्त कर दिया था कि मैं खुदा से दूर हो गया था? असल मसला यही है। अच्छा, अब मैं इसको एंड पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, फ़र्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो लेकिन नहीं हो पाता। बस फ़र्ज कीजिए, मैं सुबह को उठा, मैं नमाज शब भी पढ़ ली, कुरान करीम की तिलावत भी कर ली, मैं सोचा था मेरा दिल थोड़ा सा अब नरम पड़ जाए, नहीं, कोई एहसास नहीं, रोने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, अल्लाह से कोई रब्ता नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे अपने ख्याल है ऐसे मौके के ऊपर एक बात को फौरन रियलाइज़ करना चाहिए, फौरन समझ जाना चाहिए कि कोई वजह है जो खुदा मुझे आने नहीं दे रहा है, कोई मामला है। एक बात समझ में आती है वो ये कि अगर कोई मेरे घर के दरवाजे पर बार बार आए, ये नहीं हो सकता कि मैं उस पर तवज्जो ना दूँ, मुझे शर्मा हुजूरी में ही सही उसकी तरफ देखना पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर हम लोग जब ट्रैफिक वगैरह में होते हैं और कोई फ़कीर आके नॉक करता है, ठीक है मैं नहीं देना चाहता, मुझे पता है इनमें से बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन शर्मा हुजूरी में ही सही मुझे उसे माफ़ करो कहना पड़ता है। सही, ये नहीं समझ में आता कि कोई मेरे दरवाजे पे आए और खटखटाए और मैं ना देखूं, मैं नहीं कर सकता तो खुदा करेगा, कैसे मुमकिन है? सिर्फ एक बात हो सकती है, किसी बात पे मुझसे नाराज है, बस सिर्फ एक बात मुमकिन है, मैंने कोई गलती की है इसलिए मुझसे नाराज है, और उस नाराजगी की वजह से मुझ पर इनायत नहीं कर रहा, और ये जो इनायत नहीं कर रहा वो भी इस खातिर कर रहा है कि मैं अपने गुनाह की तौबा कर लूँ ताकि मैं बेहतर हो जाऊँ। इसमें भी उसकी इनायत है कि वो इनायत नहीं कर रहा है ताकि मैं किसी तरह से समझ जाऊँ कि मैंने कोई गलत काम किया है। तो पहला काम तो ऐसे मौके पर ये करें, इस्तग़फ़ार करें, अगर देखते हैं कि नहीं दिल में सख्ती है, नरमी नहीं आती है, और दुआ पढ़ने से पहले भी ऐसे ही है, अगर दुआ पढ़ने से पहले देखते हैं कि नहीं बात नहीं बनती है, दुआ का दिल भी नहीं चाहता है, इस्तग़फ़ार कर, खुदा के सामने इस्तग़फ़ार कर, खुदा माफ़ कर दे। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक।